टाटा समूह के चेयरमैन रतन टाटा ने महामारी के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की सराहना की है। रतन टाटा ने कहा कि पीएम ने मुश्किल दौर में देश का नेतृत्व किया है। रतन टाटा ने कोविड-19 महामारी जैसे मुश्किल समय में देश का नेतृत्व करने के लिए मोदी का धन्यवाद किया, साथ ही उद्योग को उनके मजबूत नेतृत्व का लाभ लेने की उम्मीद भी जताई। कानपुर शहर को जाम से मुक्ति दिलाने के लिए आउटर रिंग रोड के प्रोजेक्ट को अब पंख लग गए हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI मुख्यालय की टीम ने शनिवार को मंडलायुक्त डॉक्टर राजशेखर के साथ मंधना और सचेंडी में रिंग रोड के अलाइनमेंट को देखा। प्राधिकरण के कंसल्टेंट ने मंडलायुक्त शिविर कार्यालय में आयोजित बैठक में रिंग रोड के 2 अलाइनमेंट का प्रस्तुतीकरण भी किया। हालांकि टीम और मंडलायुक्त के बीच 105 किलोमीटर की जगह 101.20 किलोमीटर का रिंग रोड बनाने पर सहमति बनी है। अब अगले हफ्ते NHAI मुख्यालय में होने वाली बैठक में इस पर मुहर लगेगी। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि कोटा पॉलिसी का मतलब योग्यता को नकारना नहीं है, इसका मकसद मेधावी उम्मीदवारों को नौकरी के अवसरों से वंचित रखना नहीं है, भले ही वे आरक्षित श्रेणी से ताल्लुक रखते हों। न्यायमूर्ति उदय ललित की अध्यक्षता वाली सर्वोच्च न्यायालय की पीठ ने आरक्षण के फायदे को लेकर दायर याचिका पर अपना फैसला सुनाया। अदालत ने अपने फैसले में कहा कि पद भरने के लिए आवेदकों की जाति की बजाय उनकी योग्यता पर ध्यान देना चाहिए और मेधावी उम्मीदवारों की मदद करनी चाहिए। साथ ही किसी भी प्रतियोगिता में आवेदकों का चयन पूरी तरह योग्यता के आधार पर होना चाहिए। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सदस्य स्वामी वासुदेवानंद सरस्वती ने कहा कि पहले हम राम जन्मभूमि पर मंदिर का निर्माण करेंगे। राम मंदिर बनने के बाद काशी और मथुरा के मंदिर को कोई रोक नहीं सकता, वह तो बनेगा ही। रामनगर बाराबंकी कड़ाके की सर्दी जोरदार पकड़ती जा रही है, इसके बावजूद भी क्षेत्र में किसी भी प्रमुख चौराहे जैसे रामनगर बस स्टॉप, महादेवा मोड़, गणेशपुर मोड़, रानी बाजार, तिलुकपुर, विंदोरा चौराहा आदि पर अलाव जलाने की कोई सुविधा अभी तक शासन प्रशासन की ओर से मुहैया नहीं कराई गई, जिसके कारण गरीब मजदूर ठंड की मार खा रहे। पुलिस भर्ती परीक्षा में प्रयागराज में विशेष कार्य बल STF द्वारा साल्वर गैंग की गिरफ्तारी के बाद आगरा में भी सतर्कता बढ़ा दी गई है। गिरोह के सदस्यों ने परीक्षा में सेंध लगाने की पूरी तैयारी कर ली थी। परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों से 7-7 लाख रुपए में सौदा हुआ था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह सुबह दिल्ली स्थित गुरुद्वारा रकाबगंज पहुंचे। यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरु तेग बहादुर को श्रद्धांजलि दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये दौरा अचानक तय हुआ था। पीएम मोदी ने गुरुद्वारा रकाबगंज में मत्था टेका। उन्होंने गुरु तेग बहादुर को श्रद्धांजलि दी। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव की नरमी के बीच प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के प्रमुख शिवपाल यादव ने कहा है कि उनकी पार्टी 2022 के विधानसभा चुनाव में किसी से गठबंधन नहीं करेगी। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने शनिवार को कोरोना वायरस संक्रमण से बचाव का टीका लगवाया। इसका सीधा प्रसारण टेलीविजन पर दिखाया गया। नेतन्याहू कोरोना वायरस रोधी टीका लगवाने वाले इजराइल के पहले व्यक्ति हैं। पूर्वी लद्दाख में भारत के साथ पिछले कई महीनों से जारी सैन्य गतिरोध के बीच चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने पीपुल्स लिबरेशन आर्मी के वेस्टर्न थिएटर कमांड के कमांडर के रूप में नए जनरल को नियुक्त किया है। नेपाल के प्रधानमंत्री KP शर्मा ओली ने आज अचानक कैबिनेट मीटिंग बुलाकर संसद भंग करने का निर्णय लिया है। पीएम KP शर्मा ओली ने कैबिनेट की सिफारिश को राष्ट्रपति के पास भेज दिया है। ताज़ा समाचारों से अपडेट रहने के लिए YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।